नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को, देश और दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75% है और आज इसके दायरे में लगभग 10,000 प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स आ चुके हैं। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोडमैप लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया है। सोलर पावर हो, एलईडी बल्बों की ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंच बने, इन्होंने देश के लोगों के, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे भी बचाए हैं और पर्यावरण की भी रक्षा की है। बिजली का बिल निरंतर कम हुआ है। भारत की लीडरशिप को दुनिया ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन शुरू किया है। इसी ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान भारत ने मिट्टी और पानी को केमिकल फर्टिलाइजर से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बड़े कदम उठाए। भाइयों और बहनों, ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन इकोनॉमी के अभियान को जारी रखते हुए आज 2 और योजनाओं की शुरुआत हुई है। बीते 9 सालों में भारत में वेटलैंड्स की, रामसर साइट्स की संख्या में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। आज अमृत धरोहर योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से इन रामसर साइट्स का संरक्षण जन भागीदारी से सुनिश्चित होगा। भविष्य में ये रामसर साइट्स इको टूरिज्म का सेंटर बनेगी और हजारों लोगों के लिए ग्रीन जॉब्स का माध्यम बनेगी। दूसरी योजना देश की लंबी कोस्टलाइन और वहां रहने वाली आबादी से जुड़ी है।
मिष्टी योजना। हम लोग मिष्टी दही तो परिचित है, मिष्टी योजना, मिष्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। साथियों, वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। लंबे समय तक दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में विकास का जो मॉडल बना वो बहुत विरोधाभासी है। इस विकास मॉडल में पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी कि पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों में विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए गए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी दुनिया के विकासशील और गरीब देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं। दशकों दशक तक कुछ विकसित देशों के इस रवैये को न कोई टोकने वाला था, न कोई रोकने वाला था, कोई देश नहीं था। मुझे खुशी है कि आज भारत ने ऐसे हर देश के सामने क्लाइमेट जस्टिस का सवाल उठाया है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन में ही प्रकृति भी है और प्रगति भी है। इसी प्रेरणा से आज भारत इकोनॉमी पर जितना जोर लगाता है उतना ही ध्यान इकोलॉजी पर भी देता है। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व इन्वेस्ट कर रहा है, तो एनवायरनमेंट पर भी उतना ही फोकस है। अगर एक तरफ भारत ने 4G और 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाया है। एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, तो वहीं भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की। भारत आज एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ हमने वाटर सिक्योरिटी के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार किए हैं। आज एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप 5 देशों में भी शामिल हुआ है। आज एक तरफ भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो वहीं पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी अभियान चला रहा है। आज एक तरफ भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI जैसे संगठनों का आधार बना है, तो वहीं भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी घोषणा की है। ये बिग कैट्स के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट LIFE
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट जन आंदोलन बनता जा रहा है। मैंने जब पिछले वर्ष गुजरात के केवड़िया एकता नगर में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था तो लोगों में एक कौतूहल था। आज ये मिशन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन को लेकर एक नई चेतना का संचार कर रहा है। महीना भर पहले ही मिशन लाइफ को लेकर एक कैंपेन भी शुरू किया गया। मुझे बताया गया है कि 30 दिन से भी कम समय में इसमें करीब करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। गिविंग लाइफ टू माई सिटी, इस भावना के साथ कहीं रैलियां निकली, कहीं क्विज कंपटीशन हुए, लाखों स्कूली बच्चे, उनके शिक्षक इको क्लब के माध्यम से इस अभियान से जुड़े, लाखों साथियों ने रिड्यूस रीयूज रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया है। बदले स्वभाव तो विश्व में बदलाव, यही मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत है। मिशन लाइफ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है। साथियों, ये चेतना सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इस पहल को लेकर समर्थन बढ़ रहा है। पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस पर मैंने विश्व समुदाय से एक और आग्रह किया था। आग्रह ये था कि व्यक्तियों और कम्युनिटी में क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियरल चेंज लाने के लिए इनोवेटिव समाधान शेयर करें। ऐसे समाधान जो मेजरेबल हो, स्केलेबल हो। ये बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर के लगभग 70 देशों के हजारों साथियों ने अपने विचार साझा किए। इनमें स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अलग अलग डोमेन से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एनजीओस हैं और सामान्य नागरिक भी हैं। इनमें से कुछ वरिष्ठ साथियों के आइडियाज को थोड़ी देर पहले पुरस्कृत भी किया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। लाइफ के लिए थॉट लीडरशिप का संग्रह भी आज जारी किया गया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से ग्रीन ग्रोथ का हमारा प्रण और सशक्त होगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं, हृदय से बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।